हाय फ्रेंड्स नमस्कार मो मधुस्मिता आपनको स्वागत करुछि कुकिंग एंड स्टिचिंग विथ मधु चैनल को। आज आम तैयारी करबा शाही पनीर आ तैयारी करबा बहुत सहज कम टाइम रे मध्ये हे जीव तबे चालंतु डेरी न करि स्टार्ट करबा। ता पूर्वर जदि चैनल को सब्सक्राइब करनते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टिको प्रेस करंतु मो जहां भी नुवा वीडियो अपलोड करबी तार नोटिफिकेशन आपनको प्रथमे मिल जीव। तबे चालंतु स्टार्ट करबा आजर रेसिपी। शाही पनीर तैयारी करबा पई मो एठी नै छि 250 ग्राम पनीर जहाँ को मुमती टे बड़ साइज काटि नहीं जा मसलाई मुझे नहीं गोटे मीडियम साइज टमाटो एमती बड़ साइज काटि नहीं गोटे इंच अदा छः सात पाखुड़ा नहीं रसुण गोटे इंच दालचीन दुईट गुजराती दुईट लवंग पाँच रु छ गोलमरीच दुईट पनीर क्यूब्स नहीं गोटे मीडियम साइज रा प्याज को मुझे बड़ साइज रा काटि नहीं जाइए गोटे टेबल स्पून नहीं चारमगज गोटे स्पून नहीं जीरा आउ तीन रु चारोटी नहीं काजु प्रथमे रखि चारमगज को पानी रे भिजे नहीं जीवा मुझे नहीं गोटे कप उषुम क्षीर और दुई चम्मच शाही पनीर मसाला अच्छे ताको मिक्स कर नबा। एको भल भाव मिक्स करके साइड रखिद पाउडर मसाला रे मुझे नहीं काश्मीर रेड चिल्ली पाउडर ये राग हेनी केवल कलर पर मुझे स्वाद अनुसार लुण लंका गुंड नहीं अधा चमच धनिया पाउडर गोटे चमच अधा चमच हलदी गुंड अधा चमच गरम मसाला आ गोटे चमच नहीं कसूरी मेथी तीन रु चार चमच नहीं फ्रेश क्रीम गोटे छोट पीस नहीं बटर मुझे घिअर यूज कर घी नहीं दुई रु तीन चमच और गोटे चमच नहीं रिफाइन तेल तेज चलत स्टार्ट करने प्रोसेस। पैन गरम होड करवा गोटे चमच रिफाइन तेल तेल गरम होड करवा का रखि पनीर क्यूब्स जेतेबेले आपण पनीर क्यूब्स आड करछन्ते सेतेबेले फ्लेम को लो रखिबे नहले पनीर सब पोड़ी जिवो आमको जस्ट हल्का फ्राई करिवार अछि त 2 मिनिट पर्यंत याको फ्राई करिवा पनीर जदि आपणक पाखरे फ्रेश पनीर अछि ताहले ए प्रोसेस को आपण स्किप करंतु। वर्तमान याको बाहर कर नै जिवा तो सेम पैन रे मो ऐड करी छी 2 चम्मच घी घी गरम हेगला परे इथरे ऐड करी छी जीरा मो टिके जीरा रखी छी परे यूज करिया पई तो रखी थी जीरा सब ऐड कर दे छी गोटे गुजराती दुईटी लवंग दालचीन दुई तीन खंड आउ रसुण ए सब को ऐड कर दे छी टिके फ्राई कर नबा काजू भी ऐड कर दो छी रखी थी अदा भी इथरे ऐड कर दबा गोलमरीच ये सब को गोटे 2 मिनिट पर्यंत एमती फ्राई कर नबा लो फ्लेम रे तब ऐड करबा एथिरे काटी रखिथिबा प्याज प्याज सॉफ्ट होबा पई टिके जल्दी मु एथिरे ऐड करै छी किछि लुण अल्प लुण एथिरे ऐड करै छी या को 2 मिनिट पर्यंत फ्राई करबा तापर एथिरे ऐड करबा काटी रखिथिबा टमाटर वर्तमान टमाटो टिके सॉफ्ट होबा पर्यंत मुझे फ्राई कर 2 मिनिट लगे मत टमाटो टिके सॉफ्ट होगा ऐड करी रखि पनीर ये सब को 2 मिनिट फ्राई कला मुझे ऐड कर गोटे कप पानी पानी दे सारापर या गोल नहीं काश्मीर लंका गुंड मुझे टे यूज कर रखी पर यूज करने तो यहाँ भल भाव गोल नहीं यार कभर बंद करके दुई तीन मिनिट पर्यंत बॉइल करवा तीन चार मिनिट पर देखो ये गुड़ा सब टे टमाटो आ प्याज सब भल भाव सॉफ्ट हो जाएगी वर्तमान गैस रा फ्लेम को ऑफ कर नबा 10-15 मिनिट ठंडा होगापी छाड़देव 15 मिनिट पर यह सब भल भाव ठंडा हो तो मुझे यहाँ गोटे ग्राइंडिंग जार को बाहर करने भिजे रखि चारमगज देखने भल भाव बाटि नवा
मुझे चारमगज को दुई थर धोने जा बर्तमान देखत बहुत भल भाव गोटे स्मूथ पेस्ट हो जाक गोटे जगह को बाहर कर ग्राइंडिंग जार टी धोक ने पा ये आड करवा बर्तमान जी नेक्स्ट प्रोसेस को पैन गरम होड कर दुई रु तीन चमच घी गैस रो फ्लेम लो रखिए ये आड करवा खंडे दालचीन आ गोटे गुजराती रखि जीरा ये देद हलदी गुंड देद काश्मीर लंका गुंड जोटा रखी थे सीटा को भी देद और इमिडियेट रखि पेस्ट को देद ना लंका गुंड हलदी गुंड पोड़ चान्स थी तापर एड कर लंका गुंड लुण धनिया पाउडर ये सब कुछ भल भाव मिक्स कर नवा को मीडियम फ्लेम रे किछ समय बॉईल करबा को छोड़ देबा देखन तो 2-3 मिनिट पर इथरे बॉईल आसबे स्टार्ट हे गेलानी वर्तमान इथरे दे देबा आगुरु भिजे रखि देबा खीर और शाही पनीर मसाला या को एमति भलो भाबरे मिक्स करी इथरे देबा खीर और शाही पनीर मसाला देला पर या को 3-4 मिनिट पर्यंत एमति फुटे नै जिबा बा बॉईल करि नबा तापर एथरे ऐड करिबा फ्राई कर रखिथिबा पनीर क्यूब्स जदि आपण आगुरु पनीर जदि पनीर को फ्राई करिना दे ताले फ्रेश पनीर आपण ए टाइम रे देई परिबे कसूरी मेथी जोटा रखिथिले सेटा को एमिति हाथ पापुले रे क्रॉस करिकिने दे देबा आपण चाहेले एको टिके फ्राई करिबे देई परिबे वर्तमान एथरे ऐड करिबा गरम मसाला वर्तमान एथरे ऐड करिबा रखिथिबा बटर पीस 3-4 चम्मच एथरे दे देबा फ्रेश क्रीम एको भल भाव मिक्स कर नबा दुई मिनिट पर्यंत एमती मिक्स कला बर्तमान रेडी जाइछि हमर शाही पनीर पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल रो तबे चलन देया को सर्व करबा तो मैं या को सर्व करबा पई गोटे जगह को बाहर करने जाइछि जदि आपण को मोर एही रेसीपीटी भल लगी प्लीज गोटे लाइक करूँ आउ घरे निश्चिंत या गोटे थर तैयारी करूँ केमी लगला मत कमेंट बॉक्स रे जनइबे जदि एपर्तंत चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे थी बेल आइकन टी प्रेस करूँ रोचे नमस्कार मुझे आसबी आउ गोटे नुआ रेसीपी सहित टिल देन टेक केयर बाय बाय।